नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम। मैं एक फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट या FSTP का ऑपरेटर हूं। आज मैं आप सबको अपने काम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो तैयार हैं आप? जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत शहर और ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण हुआ था। मगर क्या सिर्फ शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता सुनिश्चित हो सकती है? बिल्कुल नहीं। शौचालयों से निकले मल का सही निपटान स्वच्छता को सुनिश्चित करने के साथ साथ समुदाय को एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करने के लिए जरूरी है, और इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में फीकल स्लज मैनेजमेंट या FSM को केंद्र बिंदु में रखा गया है। FSM मल निष्पादन का एक किफायती और साधारण विकल्प है, जो शहर और गांव दोनों जगह लागू किया जा सकता है। FSM और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को और अच्छे से समझने के लिए आज हम आपको पतौरा ग्राम पंचायत लेकर आए हैं, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। यहां पर छत्तीसगढ़ का पहला FSTP हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। वाटर एड, जिला पंचायत दुर्ग और ग्राम पंचायत पतौरा के संयुक्त पहल के कारण आज ये संभव हो पाया है। सॉइल टेस्टिंग जैसे वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर इस FSTP के लिए उचित स्थल का चुनाव किया गया है। इस प्लॉट की कुल क्षमता 9000 लीटर प्रति सप्ताह है, जो कि 3 ट्रक लोड मल के बराबर है। यहाँ ट्रीटमेंट प्राकृतिक संसाधनों एवं ग्रेविटी बेस आधारित तरीके से किया जाता है, जो कि कम ऊर्जा की मांग करते हैं और जिनका संचालन और रखरखाव कम लागत में होता है। अब इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले गाड़ी शौचालय के मल को लेकर FSTP आती है। उसके बाद उसके आउटलेट को स्क्रीनिंग चेंबर के इनलेट से जोड़ा जाता है। स्क्रीनिंग चेंबर मल में मौजूद किसी भी कचरे जैसे कि प्लास्टिक, कपड़ा, सैनिटरी नैपकिन आदि को आगे जाने से रोक लेता है। कार्य करते वक्त ये बहुत जरूरी है कि ऑपरेटर ने PPE किट, मास्क, ग्लव्स और गमबूट्स पहने हो और सुरक्षित तरीके से मल का निष्पादन हो रहा हो। स्क्रीनिंग चेंबर प्लांटेड ड्राइंग बेड यानी PDB से जुड़ा होता है। PDB मल के ठोस एवं द्रव्य पदार्थ को अलग करने का कार्य करता है। PDB एक विशिष्ट उपचार प्रक्रिया का यूनिट है, जिसमें अलग अलग आकार के पत्थरों की वर्टिकल सतह बनी होती है। सबसे ऊपर सैंड लेयर होती है, उसके बाद छोटे पत्थर और सबसे नीचे बड़े पत्थर होते हैं। बड़े पत्थर के साथ साथ ऊपर की ओर केली के पौधे भी लगाए जाते हैं, जो कि पानी को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। ये फिल्टर मीडिया एक छन्नी का काम करती है। ठोस मल बेड के ऊपर रह जाता है और द्रव्य फिल्टर मीडिया से होते हुए शुद्धिकरण के लिए आगे की प्रक्रिया में इंटीग्रेटेड सेटलर में चला जाता है। इंटीग्रेटेड सेटलर एंड एनारोबिक फिल्टर एक ऑक्सीजन रहित बंद यूनिट है, जिसमें दो कक्ष एक बैफल वॉल के द्वारा अलग होते हैं। इंटीग्रेटेड सेटलर एंड एनारोबिक फिल्टर में 90% तक प्रदूषकों को कम किया जाता है। दुर्गंध व रंग हटाने के लिए और दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए जल को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में लाया जाता है। यह एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर मीडिया है, जिसमें अलग अलग आकार के पत्थरों से गुजरकर दूषित जल प्रवाहित होता है। मैक्रोफाइट या जलीय पौधों की मदद से जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जल शुद्ध करने के लिए अनुकूल जीवों को पनपने में मदद करती है। और अंत में पॉलिशिंग पॉन्ड, जहां उपचारित जल को पुनः शुद्धिकरण कर संग्रहित किया जाता है। ये जल को एकत्रित करके रखने के साथ साथ हवा और सूरज की रोशनी से पुनः उसका शुद्धिकरण करता है। पॉलिशिंग पॉन्ड में उपचारित जल का वाटर टेस्टिंग, BOD, COD और पैथोजेंस का टेस्ट किया जाता है। पॉलिशिंग पॉन्ड के जल को खेती या बागवानी जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो और, सूखे हुए मल को कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग के बाद खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि मानव मल को सोन खाद भी कहा जाता है? ये तो हो गया FSTP के बारे में, मगर अभी एक और जरूरी बात जानना बाकी है। स्वच्छता सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास की भी जरूरी है, और इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सफाई कर्मी उक्त कार्य करने के पश्चात अपने आप को सही तरीके से सैनिटाइज करें। यह FSTP एक बदलते हुए भारत का साक्षी है। पतौरा के साथ साथ आसपास के भी ग्राम पंचायतों के लिए ये एक अनमूल्य तोहफा है।
और मेरी तरह और भी लोगों के रोजगार, बढ़ोतरी और बेहतर भविष्य का सुनहरा अवसर है।